अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खाना सिखाना में आप लोगों का स्वागत है। खाना सिखाना में आज मैं बनाने जा रही हूँ मोटी लाल मिर्च का अचार। ये अचार बहुत लजीज होता है, बहुत टेस्टी। इसको एक बार बनाएं, जिस तरह मैं बता रही हूँ हर एक स्टेप को फॉलो करें और उसी अंदाज में आप बनाइए। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा होता है। एक बार खाएंगे तो दिल बार बार खाने को चाहेगा। चार चम्मच ये पीला वाला सरसों लेंगे, एक चम्मच मंगरेला, एक चम्मच अजवाइन, चार चम्मच ये गोटा धनिया और तीन चम्मच ये मैं सौंफ ली हूँ और ये तीन चम्मच मैं मेथी ली हूँ और ये छः चम्मच मैं आमचूर पाउडर ली हूँ, जिसको कहते हैं खटाई। अब इन तमाम चीज़ों को मैं धूप में एक घंटा के लिए मैं इस सबको धूप दिखा दूंगी। धूप दिखने के बाद मैं इन तमाम चीज़ों को फिर इन तमाम मसालों को एक एक करके धीमी धीमी आंच पर इस तरह भूनते जाएंगे। ये देखिए, एक एक कर करके इस तरह धीमी धीमी आंच पर इन मसालों को भूनेंगे। मेथी, धनिया, सरसों, सौंफ, जितने भी मसाले हैं सबको इसी तरह धीमे धीमे आंच पर। ये धनिया, सरसों, सौंफ, इन मेथी, इन तीन मसालों को हम एक साथ मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। और ये जो है मेथी, अजवाइन, इसको हम भून करके अलग बर्तन में रखेंगे, क्योंकि इसे हमको पीस पाउडर नहीं बनाना है, इसको गोटा ही रखना है। ये देखिए हमारा तेल किस तरह धुआं निकल रहा है। तेल को हमको हमें इसी तरह पकाना है। ये देखिए तेल पक गया है। अब इसको हम ठंडा करके, ये देखिए तेल को हम मैं ठंडा कर ली हूँ। ठंडा करने के बाद इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले ये मिर्च का जो बीज जिसको हम सुखाए थे, इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह डाल दिए, इसको अच्छी तरह से तेल में मिला दिए। और ये देखिए ये जो मसाला जो मैं धनिया, सरसों और सौंफ, मेथी, ये चार इन चारों मसालों का ये पेस्ट है, ये पाउडर है। ये देखिए अब इसमें ये गोटा वाला मैं मिला रही हूँ मसाला। अब इसमें डालूंगी आमचूर पाउडर। इसमें मैं डाल रही हूँ ये चार चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा अगर चाहिए तो ज़्यादा करके डाल लीजिए। अचार में अगर आपको नमक चाहिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसमें और भी तेल देखिए लगेगा। और ये देखिए तेल को मिला लिए, इस तरह का हमें बनाना है। देखिए तेल मिल गया। अब इस मसाले को हम इस मिर्च के अंदर को भरेंगे। ये देखिए अब मिर्च के अंदर इस तरह हम मसाला को भरते जाएंगे। ये उंगली के सहारे इसको इस तरह करेंगे। ये देखिए एक भरा गया। ये देखिए ये बहुत मोटी सी मिर्च है, इसमें ज़्यादा मसाला जाएगा। ये देखिए इस तरह को हम इस तरह भरेंगे, भर के इसको हम इस तरह डाल देंगे। ये लंबी मिर्च है, ये देखिए इसी तरह तमाम मिर्चों को भर लेना है। भरने के बाद फिर हम अगला पोर्शन दिखा रहे हैं। ये देखिए इन मिर्चों में हम मसाला को भर चुके हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। तेल में इसको डिप करके
इसको करीब हफ्ता दिन इसको धूप में हम पकाएंगे। धूप अगर धूप पतला है तो और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो एक हफ्ते के अंदर में ये तैयार हो जाएगा। तेल को डाल दिए, ये हमारा अचार हो गया तैयार। अब इसे हम एक हफ्ता के लिए धूप में छोड़ देंगे। ये देखिए एक सप्ताह हो गया हमारा, देखिए अचार किस तरह, ये देखिए हमारा अचार बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये गल भी गया हमारा अचार, ये देखिए गल गया है। ये देखिए ये इसको ये जो मिर्चा का ऊपरी परत है बहुत अच्छी तरह से गल गया है, और ये मसाला भी बहुत अच्छा पक गया है धूप में। बहुत इसका टेस्ट मैं चखी हूँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए हमारा लाल मिर्चों का अचार है तैयार।